चलो बनाएं विश्व में स्वच्छ भारत की एक पहचान। स्वस्थ हो, समृद्ध हो, ये हो अपना अभिमान। दशकों पहले बापू ने एक सपना देखा था, स्वच्छ भारत का सपना। इस सपने को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 2014 को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और दुनिया के अनूठे, साहसिक और सबसे बड़े स्वच्छता के जन आंदोलन की शुरुआत की। क्या हम तय करें कि हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने दें। और इसी संकल्प के साथ स्वच्छ भारत मिशन के साथ शुरू हुआ खुले में शौच मुक्त भारत का अभियान। व्यक्तिगत, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर के लिए भी स्पेशल टॉयलेट्स के द्वारा उनकी सुरक्षा, सम्मान और गरिमा का ध्यान रखा। और इसी तरह कुछ ही सालों में सबके अथक प्रयासों से भारत ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया। स्वच्छ सर्वेक्षण, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का सर्वेक्षण है, उसकी स्पर्धा की शुरुआत के साथ सबने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी और अपनी आदत बनाई। आज इस बात की खुशी है कि हम सबके सहयोग से देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मना रहा है। सफाई के इस महाअभियान को केंद्रीय और राज्य सरकार एवं शहरों ने कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना से आगे बढ़ाया। आधुनिक मशीनों की मदद से फीकल स्लज और शहर के दूषित पानी का उपचार कर उसे पुनः उपयोग करने पर भी काम किया जाने लगा। सफाई मित्रों के प्रति सम्मान, गर्व और प्रोत्साहन केवल शाब्दिक न रहे, इसलिए प्रत्येक नगरीय निकायों द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उन्हें वेस्ट मैनेजर और एंटरप्रेन्योर बनाया गया। नगर निकायों द्वारा जागरूकता फैलाने से लोगों ने घर से ही कूड़े को अलग करना शुरू किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए कूड़े को 100% प्रोसेस करने का लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य भी किए जा रहे हैं। क्या नेता और क्या अभिनेता, सबने मिलकर काम किया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को आम जन के नाम किया। कोरोना महामारी के समय में भी हमारे सफाई मित्रों ने अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर दिन रात अपने शहरों की स्वच्छता का ध्यान रखा। स्वच्छता की इस सोच ने लोगों को नए नए इनोवेशन के साथ जोड़ा, जिससे अब हर कोई स्वच्छता की इस मुहिम से जुड़ गया। स्वच्छ भारत मिशन के ये 7 साल इतने आसान नहीं थे। ये सपना और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो इस मशाल की लौ और भी तेज हो गई है। अभी तो स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, जहां हरे भरे उपवन और साफ हवा होगी, साफ सफाई का काम मशीनों से होगा और सफाई कर्मियों का जीवन सुरक्षित होगा। वेस्ट वेस्ट नहीं बल्कि रिसोर्स होगा। डिजिटल इनोवेशन बनेंगे स्वच्छता के प्रहरी, और ये तभी संभव होगा जब हम स्वयं भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि स्वच्छता से ही समृद्धि है। स्वच्छता के ये 7 साल स्वच्छ भारत के स्वच्छ कल की नींव है, और सबके प्रयास से ये नींव आज जितनी मजबूत बन रही है, उस पर टिकने वाली भविष्य की दीवार भी उतनी ही मजबूत और खूबसूरत दिखेगी। स्वच्छता की ये मशाल अब और तेज प्रज्वलित होगी। साध लिया है लक्ष्य, ये अब और तेज प्रगति होगी।